restaurant. Okay, so hi Himanshi, firstly welcome. Thank and, you. And you know, Big Boss is saal ka sabse charchit show raha hai, and aap bhi us charchit show ke ek hissa reh chuki hai. Abhi bataiye ki kis tarike se life mein badlav aa gaya hai Big Boss ke ghar se bahar aane ke baad mein. नहीं, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है. जैसे मैं पहले थी वैसे ही अभी हूँ. और हाँ, अच्छे दोस्त बने हैं और अच्छी मेमोरीज बनाई हैं और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस साथ लेके जा रहे हैं. हिमांशु, इसके अलावा आसिम जो है टॉप टू में है, उसकी बहुत खुशी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट भी है इस बात को लेकर कि विनर नहीं बने, जबकि सब लोग बोल रहे थे कि आसिम को ही जीतना चाहिए. हाँ, हम सब चाहते थे कि वो विनर बने, होप भी कर रहे थे, और मेरी तो आंखें बंद थी और हार्ट बीट बहुत फास्ट थी कि अभी आसिम का नाम ले दें और हम सब भाग के जाएं. क्योंकि विशाल मेरे पीछे बैठे थे, हम सब चाहते थे, और उनकी फैमिली मेरे इस तरफ बैठी थी. तो लेकिन जब ऑल ऑफ सडन नाम लिया तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन इट्स ओके. लेकिन ट्रॉफी से आई डोंट थिंक सो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि लोग तो हर जगह चैंट कर रहे हैं आसिम आसिम आसिम, सो आई थिंक ही इज़ अ विनर. लेकिन हिमांशी, यू नो, जैसे कि आपने कहा फैमिली साथ में बैठी थी, कुछ बात हुई उनकी आसिम की फैमिली से, आपकी क्या बातें हुई? जैसे शो ख़त्म हुआ ना, मैं थोड़ा पीछे पीछे खड़ी हो रही थी, बिकॉज मेरी ज़्यादा और किसी से तो इंटरेक्शन होती नहीं थी. रश्मि भी बिजी थी, तो मेरी थोड़ी आदत है कि मैं एक स्पेस इन्जॉय करने देती हूँ सामने वाले पर्सन को. तो आसिम को मैं पीछे खड़ी हो गई, एंड उनकी फैमिली और उनकी मॉम, शी वॉज़ वेरी इमोशनल, एंड उनको हग किया जाके. लेकिन आसिम वॉज़ लुकिंग फॉर मी, एंड उन्होंने हाथ पकड़ के, ही वॉज़ लुकिंग फॉर मी एंड हाथ पकड़ के सीधा अपने पेरेंट्स के पास ले गए कि सी शी इज़ द गर्ल जिससे मैं मिलवाना चाहता था. एंड मैं बहुत तब भी शाय फील कर रही थी, मैं उसको बोल रही थी रिलैक्स रिलैक्स ओके, लेकिन मैं बोल रहा नहीं, मतलब मैं पहली बार अपने फादर के से किसी लड़की को मिलवा रहा हूँ. एंड यू नो, आसिम घर के बाहर आने के बाद में आसिम ने क्या बात की आपसे, और क्या था उनका जो रिएक्शन था? बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी चीज़ें बिग बॉस के बारे में तो नहीं की, लेकिन हम पर्सनल, हमारे रिलेशनशिप पे, फैमिलीज पे, और अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, मी, रश्मि, उमर एंड आसिम, जैसे आसिम के कज़न, तो हम सब साथ में थे, हम बहुत फ़न किया हमने. तो इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, बिकॉज वो भी 4 महीने बाद घर से बाहर आए हैं, तो उनका मेंटल हेल्थ एंड उनके उनको एक कम्फर्ट जोन देना बहुत ज़रूरी था. हिमांशी, इसके अलावा आसिम जब रनर अप हुए, उनका क्या रिएक्शन था जब आप लोगों ने उनको मिले रनर अप होने के बाद, तो उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या सोच रहे थे उस समय? पिछले 3 दिन से बीच बीच में वो थोड़ा सा बोलते हैं कि यार ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन जब इंटरनेट हमने उनको दिया नहीं था, आगे हम नहीं चाहते थे, लेकिन लास्ट एक दिन पहले जब उनका फ़ोन उनके हाथ में आया, तो वो सर्व कर रहे थे, हर जगह देख रहे थे कि वीडियोस, फ़ैन, लिटरली लोग, फैंस रो रहे हैं, और बहुत उनके नाम पे, ही इज़ अ फर्स्ट रनर अप, लेकिन इंटरव्यूज़ भी उन्हीं के वायरल हो रहे हैं, और हर जगह आसिम आसिम हो रहा है. तो इट्स लाइक मैंने शो जीत लिया, तो तुम्हें प्राउड फील हो रहा है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड फैमिली ने भी बोला, पापा को पूछा उनके कि आप खुश हो, लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू. तो बड़ा अच्छा एक इमोशनल, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में वो चीज़ कि मैंने शो के लिए इतना किया तो ट्रॉफी तो चाहिए थी, लेकिन स्टिल ऐसा कहा जा रहा है कि कलर्स जो है कहीं ना कहीं बायस हो रहे हैं उनकी तरफ से. आज एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया गया है कलर्स की तरफ से. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? सॉरी, आई डोंट नो अबाउट द स्टेटमेंट. मतलब कोई बायसनेस नहीं है शो की, और जिस ने भी ये इंफॉर्मेशन लीक किए कि यू नो शो ऑलरेडी फिक्स था, ये सब गलत है? ओके, मतलब अगर चैनल ये चीज़ बोल रहे हैं तो सी, एट द एंड क्या होता है, जब टीवी पे एक शो आता है, इट्स नॉट अबाउट द हीरो ऑल द टाइम. हीरो अगर है, कुछ लोगों को मतलब और भी शो के करेक्टर पसंद आते हैं, और समटाइम क्या होता है कुछ, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक शोले फिल्म में गब्बर वाज द विलन एंड ही वाज वेरी फेमस एंड लोगों ने बड़ा पसंद किया. सो शो में 14-15 लोग थे, तो उसमें से आसिम इज़ द वन जिसको सबसे ज़्यादा प्यार मिला है और सबसे ज़्यादा लोग उसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो आई थिंक वही विनर है ना उस चीज़ के लिए. तो इट्स नॉट अबाउट द कलर्स ने किसको, टीम ने या चैनल ने किसको ट्रॉफी दिया है, इट्स अ क्राइटेरिया, ठीक है, लेकिन फॉर अस आसिम इज़ अ विनर. यू नो व्हेन यू वेंट इनसाइड
शहनाज के साथ में भी कुछ बातें थी जो आप करना चाहती थी, अब जब घर के बाहर आ गई हैं तो क्या चीज़ें हैं सॉर्ट आउट होने वाली है, उनसे बात होने वाली है, क्या होने वाला है? जब मैं कनेक्शन वीक में गई तो उनका बर्थडे था सेम डे, तो जब मैं एंटर हुई तो उनके ब्रदर भी साथ में थे, तो मेरे मॉम ने भी बोल दिया था कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है। आई थिंक जब नेशनल टेलीविज़न पे इतनी बड़ी बात होती है तो उसका क्लोजर भी वहीं होना चाहिए, ताकि कल को आप लोग मिलो तो दिल में मलाल ना रहे, और उस चीज़ को ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट है। वो अपने करियर में बिज़ी है, मैं अपने काम में बिज़ी हूँ, तो कभी कहीं किसी मोड़ पे मिलते हैं तो दिल में ये ना रहे कि हम एक दूसरे के लिए ग्रजेस लेके घूम रहे हैं। तो हम अंदर जब गए, उनके ब्रदर भी यही चाहते थे, और उन्होंने भी, शहनाज ने भी बहुत बार आसिम के पास बोला था कि मैं चाहती हूँ कि पैचअप हो जाए, वो अपनी तरफ से कंसर्न दिखा रही थी। तो हमारी बहुत बातें हुई हैं आपस में, लेकिन वो एयर नहीं हुई है, तो हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत फन किया, तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। स्वयंवर जो अभी होने वाला है शादी के लिए, पारस और शहनाज का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? गुड फॉर हो, गुड लक टू देम। ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग, एक शो ख़त्म होते ही एक दिन भी नहीं पड़ा, नेक्स्ट डे शो हो रहा है उनका, एंड उनका कॉल है, मतलब वो ज़्यादा जानती हैं अच्छे से, एंड 4 महीने उन्होंने भी शो को बहुत दिया है, बहुत एंटरटेन किया है, तो अच्छी बात है कि काम रेगुलर करते रहना चाहिए। सो इफ शी इज़ डूइंग वर्क, इट्स गुड। हिमांशी, इसके अलावा लास्ट इवनिंग की बात करें, आप लोग सब साथ में थे, रश्मि, आसिम, आप कितना एंजॉय किया आपने, और थोड़ा सा बताइए कि क्या हो रहा था उस समय? टू मच, बहुत। हमने बिग बॉस की बात बिल्कुल नहीं की, बिकॉज हम 5 महीने से बिग बॉस, ये करेक्टर वैसे, तो हम सब जैसे घर के बाहर निकले तो हम सब ऐसे हो गए जैसे हमारे बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तो विच इज़ वेरी गुड। गेम को गेम में छोड़ के आए, तो हम सब आपस में फ़न कर रहे थे, एंड हमने रश्मि, आसिम और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत। क्योंकि आप कल रश्मि के साथ में थी, घर के अंदर जो है कुछ बात हुई थी, आपने अरहान के बारे में बात की थी, तो क्या उस बारे में कुछ बात हुई? दैट वाज एडिट, मतलब एडिट किया हुआ क्लिप दिखाया गया था, ठीक है, एंड मैं रश्मि से बहुत कनेक्टेड हूँ। वो चीज़ ऐसी हो गई थी कि रश्मि जब शो में थी और अरहान भी वहीं थे, और उनका वो जो भी पर्सनल मैटर वहाँ ओपन हुआ था, तो मैंने रश्मि को एक ही चीज़ बोली थी कि किसी थर्ड पर्सन को एडवांटेज मत लेने देना, इट्स योर लाइफ, ठीक है। उसके बाद रश्मि नॉर्मल हो गई थी, और अरहान भी हमारे साथ बड़ा पोलाइट थे शो में, तो अब मुझे नहीं पता, मैं अभी गेम में ही मिली हूँ उनको, तो मैं दोनों को ही गेम में मिली थी, लेकिन रश्मि से मैं ज़्यादा कनेक्टेड थी क्योंकि हमारी बातें ज़्यादा होती थी। जब दो कपल के बीच में बातें हो रही हैं तो हमें एज ए कंटेस्टेंट नहीं पता कि एक्चुअल में बात क्या है, ऑल ऑफ सडन हमारे सामने वो मुद्दा आया। तो जब मैं घर के बाहर थी तो अरहान मुझसे मिले थे, तो उन्होंने बड़े पोलाइटली बात की, और मेरे एटिकेट्स अलाउ करते, अब मेरे को कोई मिलने आ रहा तो मैं उसको धक्का तो नहीं मार सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने अंदर जाके आसिम को यही चीज़ बोली कि वो उनका पर्सनल मैटर है, आप उनका नाम लेके रश्मि से बात मत करो। वो एडिट इस तरीके से हुआ, और आपको भी पता है उस वीक में सभी ने बाहर की बातें की थी, सिर्फ मेरे को ही उठा के कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन रश्मि से मेरे इस टॉपिक पे ऑलरेडी बात हो चुकी थी, एंड अगर मैं आसिम से बात कर भी रही थी तो रश्मि, आसिम, मी, हम तीनों फ्रेंड्स हैं, तो मैंने ऐसा तो नहीं है, गलत तब होता अगर मैं सिद्धार्थ से या शहनाज से या किसी और से जाके बात करती, मैं फ्रेंड से ही बात कर रही थी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। और अगर मैं आसिम की कनेक्शन बन के गई थी तो मेरा राइट बनता था कि मैं उनको कुछ भी बोल सकती हूँ, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन मैं उनसे बात कर सकती हूँ। ऐसे तो और बहुत लोग थे जो बाहर की बातें कर रहे थे, लेकिन उनको किसी को भी, मतलब, टारगेट नहीं किया गया, बट ठीक है, मैंने उस पर बैकफायर किया, और मैंने रश्मि को बोला आपसे मेरी बात हो चुकी है, ठीक है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई और क्या बोलता है। ऑल्सो घर के अंदर हमने देखा कि आसिम और सिद्धार्थ की पहले दोस्ती दिखाई, फिर दुश्मनी देखी, घर के बाहर क्या होने वाला है इस बारे में? आई डोंट नो, उनका अभी फेस ऑफ हुआ नहीं है ऐसा, तो आसिम को ज़्यादा पता है। सी, आई डोंट वॉन्ट कि आसिम किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब रहे, एंड ये लॉन्ग जर्नी है, अभी उन्हें खुद की मेहनत से बहुत कुछ अर्न किया है, तो आई थिंक वो चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए, अभी उसको आगे फोकस करना चाहिए उस चीज़ के लिए। लोगों ने इतना प्यार दिया, देखो समटाइम ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर चीज़ का आंसर करो, आसिम ने उन चीज़ों के लिए वेट किया। जब मैं घर से एविक्ट हो रही थी तो किसी ने टॉन्ट मारा था उनको कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और जब मैं कनेक्शन वीक के लिए अंदर गई, अगेन उन्होंने, फिर आसिम ने अपने मुंह से बोला व्हाट गोज़
अराउंड कम्स अराउंड राइट. तो डेस्टिनी ने उनके लिए प्लान्स रखे हुए थे. अभी एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट आसिम, तो मुझे नहीं लगता कि उनको सिद्धार्थ को कोई जवाब देने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि लोग जवाब दे रहे हैं उनकी तरफ से. शो में तो आपने यू नो कुछ जवाब नहीं दिया था, कहा था कि हम बाहर जाएंगे और बात करेंगे. क्या डिसाइड किया है आपने आसिम को लेकर? आई थिंक यू ऑल एज अ गर्ल आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं लड़की वहाँ पे और सीधा मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं. मैरिज सी रिलेशनशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैरिज इज़ लाइक द मिक्सचर ऑफ द कंपैटिबिलिटी, योर डेली रूटीन, और आप एक दूसरे के साथ कैसे रहते हो विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फैमिलीज, दो परिवार को साथ लेके चलना. तो मैं उस चीज़ के लिए कंसर्न थी कि अभी हमारी फैमिलीज के साथ बात नहीं हुई है, मैं तुम्हें प्रॉपर नहीं जानती हूँ. शो में बहुत सारी बातें जो हम नहीं करना चाहते थे, तो उस वक्त मेरे को ये था कि आसिम अभी थोड़ा, क्योंकि हम वो मेरे से अलग होके थोड़ा सा उन्होंने बोला कि मैं अग्रेसिव हो गया था, लेकिन मेरे लिए उस वक्त ये था कि मैं खड़ी हूँ यहाँ पे और मैं उनको सुनना चाहती हूँ. मैं सुन रही थी उनको. एक पर्सन को आप काम कर रहे हो उनके अंदर जो भी भरा हुआ है सुन के. तो लोगों ने अगर उसको उस चीज़ पे लिया है तो दे ओपिनियन, लेकिन उस वक्त तक हम दोनों की पर्सनल लाइफ हो चुकी थी. वो उस वक्त हमारे लिए बिग बॉस नहीं था, वो हमारी रियल लाइफ के बारे में बात चल रही थी. तो आई थिंक एज अ गर्ल टाइम लेना इज़ वेरी नेचुरल. तो अभी हम जब बाहर आए और मेरे को ये भी देखना था कि आसिम को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है, और ऐसा तो नहीं है कि वो शो में किसी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं इसीलिए वो ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन वो बाहर आके स्टिल द सेम. या बहुत सारे बैक टू बैक वर्क प्लान हैं, एंड मेरा वीडियो अभी और लॉन्च होने वाला है, एंड बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू ऑल द बेस्ट.